फेमस शो एंकर और अभिनेत्री पूर्व मिस इंडिया सिमरन आहूजा आईफा अवार्ड्स में अपनी एंकरिंग के अंदाज से इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। सिमरन आहूजा का कुछ दिनों पहले ही रंग ले रंगरेजा गाना भी रिलीज हुआ है। वैसे आपको बता दें कि देश हो या फिर विदेश, अगर बात हो एंटरटेनमेंट के शो की तो उसमें सिमरन आहूजा अगर शो की एंकर हैं तो उसे शो की सफलता की गारंटी माना जाता है। ऐसा इंडस्ट्री में तो जरूर ही माना जाता है। आइए अब आपको बताते हैं और दिखाते हैं सिमरन आहूजा से न्यूज इंडिया के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा की खास बातचीत। मेरे साथ हैं एक्ट्रेस सिमरन आहूजा, सेलिब्रिटी एंकर हैं, मिस इंडिया रही हैं। आइए आज उनसे विशेष वार्ता करते हैं। सबसे पहले तो सिमरन, आपका न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। हर जगह घूमते रहते हैं, क्या नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या करने जा रही है? वाह, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी आईफा स्पेक्टेकुलर था, फिनोमिनल था, जो या साइलेंट अबू धाबी में था और हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट थे वहाँ के ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस शेख नयन सर, शेख नयन अल नयन जी, एंड वहाँ से लेकर टू ऑफ कोर्स यू नो हमारे जो अमेजिंग शोज़ आईफा के थे लगातार 3 दिन, एंड 6 दिन मैं आईफा के लिए वहाँ पर थी, एंड राइट फ्रॉम सलमान खान टू एवरीबॉडी, तो बहुत ही खूबसूरत सा शो था क्योंकि राइट फ्रॉम 2019 सितंबर जो हमारा लास्ट आईफा था, 18th ऑफ सितंबर था 2019 में आईफा, उसके बाद अब हुआ है। सो राइट फ्रॉम देयर टू आज जो खूबसूरत सा शो था यहाँ पर बिजनेस एक्सलेंस अवार्ड्स और यंग अचीवर्स अवार्ड्स से लेकर काफ़ी सारे शोज चल रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ब्यूटीफुल। बट ब्यूटीफुल सिमरन अब एक्टिंग में क्या कर रही है, गाना या उसके बारे में बताएं पहले तो? जी ये मेरा 4th सॉन्ग है, तो मेरे पहले तीन सॉन्ग्स कल्चरल पे थे, एक टिप्स पे रिलीज़ हुआ, एक टी सीरीज पे, एंड एक शेमारू पे, जो गुजराती फोक हैं, दो गुजराती फोक हैं और एक सिंधी फोक है, सॉरी। और ये मेरा जो पहला कमर्शियल था दैट्स पीते पीते पी गया, जिसके प्लस 1 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं, और अब जो मेरा सॉन्ग रिलीज़ हुआ वेरी क्लोज टू माई हार्ट है, मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये संतों की जो वाणी होती है, उनकी संतों की वाणी पर ये खूबसूरत का सा गाना है रंग ले रंगरेजा, जो शेमारू पे रिलीज़ हुआ 6 जून को, एंड मैं 6 जून को दुबई में ही थी क्योंकि अबू धाबी में हमारा आईफा ख़त्म हुआ और वहीं से ही मैं लाइव आई थी अपने शो के लिए। सो बहुत खूबसूरत सा गीत और मेरे दिल के इसलिए करीब है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई सूफीज़म का गाना होता है या डिवाइन लव से कनेक्ट होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सब स्पिरिचुअल सोल्स हैं गोइंग टू दिस ह्यूमन एक्सपीरियंस। सो ये मेरा गाना है रंगले रंगरेजा, और अब एक दूसरा गाना आ रहा है जो सेंट बुले शाह के ट्यून्स पर है, यू नो, एंड इट इज़ अगेन ऑन डिवाइन लव, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एज वेल। और मेरी फिल्म आ रही है, मेरी पहली फिल्म डेब्यू फिल्म थी जिंदगी तुमसे, जिसके लिए मैंने डेब्यू एक्ट्रेस का किताब जीता था बाय द ग्लोबल फिल्म एंड म्यूजिक फेस्टिवल USA से। सो उसमें वी वर 3 गर्ल्स एज द लीड्स, सो इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। बट अब जो फिल्म आ रही है जिसका नाम भी सिमरन है, फिल्म का नाम भी सिमरन है और मेरा नाम इन द फिल्म भी सिमरन है, एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका सब्जेक्ट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट्स ऑन कि हम अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, अपने करियर पर ध्यान देते हैं, हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि हम सबको आफ्टर ऑल अपने पेरेंट्स को देखना चाहिए एक एज के बाद, और हम बिलीव करते हैं उन्हें एज ओल्ड होम में या तो भेज देते हैं या तो वी डोंट बॉदर अबाउट पेरेंट्स। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ टू प्ले दिस किरदार ऑफ सिमरन जो अपने करियर में मग्न रहती है, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी, एंड या सो दिस इज माई फिल्म विच इज़ गोना रिलीज। सिमरन करियर में मग्न रहती है, तो अब करियर में आगे क्या करने जा रही है? बस फिल्म्स चल रही हैं और स्पेक्टेकुलर शोज आ रहे हैं, आई एम होस्टिंग द प्रेस्टिजियस ताइफा अवार्ड जो 10th ताइफा अवार्ड हो रहा है, एंड इट इज़ इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन, तो इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर मैं 8 योगा के वर्कशॉप्स ले रही हूँ ऑन द कंट्री क्लब पेज, और योगा से खूबसूरत सा नाता सा हो गया था कोरोना के टाइम पर, क्योंकि जिस दिन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने डिसाइड किया था, अनाउंस किया था 15 मार्च से दैट अब लॉकडाउन अनाउंस हो रहा है 2020 में, तब से लेकर हमने जो कंट्री क्लब पर शुरू किया, कंट्री क्लब एट योर डोर स्टेप नॉन स्टॉप टिल द मंथ ऑफ ऑगस्ट व्हेन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी सर ने कहा कि नाउ वी आर ओपन,
एक दिन भी हमने मिस नहीं किया और ऑल बाय वर्ड ऑफ माउथ. कभी ना प्रमोशन हुआ फेसबुक पे, ना ही किसी ने सपोर्ट, यू नो ऑफिस थी बिकॉज ऑफिस सारी बंद थी, बट थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ हमारे 108 सूर्य नमस्कार जो हम लाइव करती थी मैं अलॉन्ग विद चैंटिंग ऑफ नेम्स ऑफ 108 नेम्स ऑफ सन गॉड, वो इतना खूबसूरती से वायरल हो गया और लोगों को इतने उसमें बेनिफिट्स दिखे कि जो जैपनीज जो फेसबुक पर नहीं होते थे वो फेसबुक पर आने लगे. एंड जब मैंने अपना शो ख़त्म किया, 2 घंटे लगे प्लस 108 सूर्य नमस्कार और चैंटिंग करने में, तो हमने देखा कि 2 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़े थे. तो हमें बहुत शौक हो गया, पूरे वर्ल्ड से इतने लोग. सो इट्स जस्ट दैट वो 5 महीने में यू नो जो हमने वर्कशॉप्स एवरी डे लिए, कंसिस्टेंसी थी और लोगों को फ़ायदा होता गया. सो आई थिंक इट इज़ बहुत ही दिल के करीब है. और ये वादा मैंने सीता माँ जी से किया था. सीता माँ मेरे गुरु जी, पहले मेरी मॉम है जो मुझे योग में ले जाती थी और फिर निकम गुरुजी मेरे गुरुजी रहे हैं, मेन गुरुजी. और उसके बाद मैंने सैंटा क्रूज स्कूल ऑफ योगा, जो ओल्डेस्ट स्कूल है सैंटा क्रूज में, योगा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से किया है. और वहाँ से सीता माँ जो थी वो 94 ईयर्स के थे और उन्होंने मुझसे कहा, मैं पढ़ाई कर रही थी तब कॉलेज में, कि सिमरन वादा करो मुझसे कि तुम योगा सिखाओगे सबको. तो मैंने कहा मैं क्यों सिखाऊंगी, मतलब मैं तो कोर्स ऐसे ही कर रही हूँ मज़े में. एंड मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ये खूबसूरत मौका कभी मिलेगा. बट उन्होंने मुझसे आंखों में देखकर कहा था कि मुझे वादा करो कि आप स्प्रेड करोगे योगा टू द वर्ल्ड. तब तो मैंने ऐसे ही कह दिया था हाँ, बट पता नहीं था ऐसा खूबसूरत मौका मिलेगा. तो अब जो इंटरनेशनल योगा डे है, मैं 8 वर्कशॉप्स ले रही हूँ उसी पेज पर, कंट्री क्लब के पेज पर, क्योंकि सबको आदत है. और राइट फ्रॉम डायबिटीज़ के लिए कौन सी योग करनी चाहिए, फेशियल योगा से लेकर एस्थेटिक के लिए कौन सी योग हो, या स्पाइन के लिए, नेक पेन के लिए, क्योंकि आजकल सबको आदत है गैजेट्स के साथ रहने की, सो सारा स्ट्रेस हमारे नेक में आता है, तो किस तरह से हम ठीक रह सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ठीक तरह से ध्यान रख सकते हैं, ये सब विदाउट एनी चार्ज. योगा इज़ ऑलवेज़ फ्री. एंड मैं ज़रूर, ये मुझे खूबसूरत सा यू नो मौका मिला है कहने के लिए, कहना चाहूँगी कि मैंने ज्यूरिक, पेरिस, USA में योगा वर्कशॉप्स और नवरात्रि वर्कशॉप्स पहले से ही मैं लेते आई हूँ. जब भी वक्त मिलता है, मौका मिलता है, आई स्प्रेड योगा टू द वर्ल्ड. श्रीलंका में लिया है, सिंगापुर में लिए हैं मैंने. सो ये बहुत ही मेरे लिए स्पेशल है. सो इट्स ऑल इन वन. नवरात्रि के टाइम, नवरात्रि की सीज़न होती है, अब योग की सीज़न, और फिर ऑफ कोर्स पिक्चर्स, म्यूजिक एल्बम एंड इवेंट्स आर ऑन. ये थी सिमरन आहूजा जो बता रही थी कि क्या क्या वो करती हैं और लोगों को कैसे योगा करके फिट रहना चाहिए. प्रशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, ऋषिकेश.